Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, how are you? Well, friends, in the last class I taught you about the recognition rules from present continuous tense for the passive sentences. Okay friends, today I am going to teach you the recognition rules of passive sentences from the present perfect tense. Okay friends, so let's start the class of the day. फ्रेंड्स, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा अगर आपने पीछे के दो वीडियो देखे होंगे कि ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव वॉइस क्या होता है, इंट्रांजेक्टिव और ट्रांजेक्टिव में क्या फर्क होता है। फिर से मैं बता देता हूँ कि ट्रांजेक्टिव जिसमें मतलब कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि कुर्सी बढ़ई के द्वारा बनाई जाती है, तो बढ़ई के द्वारा कुर्सी बनाई जाती है, उसमें दिया है कि कौन काम कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ट्रांजेक्टिव है। बट जिसमें दिया जाए ये ना दिया जाए कि किसके द्वारा काम हो रहा है, तो वो इंट्रांजेक्टिव होता है। जैसे कि सिर्फ अगर दिया जाए या बोला जाए कि कुर्सियां बनाई जा रही है या कुर्सियों की मरम्मत की जा रही है, तो इसमें इंट्रांजेक्टिव है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया है कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है। कुर्सियों की मरम्मत की जा रही है लेकिन किसके द्वारा की जा रही है ये नहीं दिया रहता है, इसलिए इसको इंट्रांजेक्टिव बोलते हैं। और इसको बनाने का नियम वही रहता है बट पहचानने का नियम अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हो इंग्लिश वीडियो। मे आई हेल्प यू सर? व्हाट कैन आई हेल्प यू सर? ओह एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बदर यू, आई एम रेदर कंफ्यूज्ड। वुड यू काइंडली टेल मी द वे टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? यस, यू सीम टू बी न्यू हियर। Yes, I have recently come here from Nagpur. So you go straight by along this road and you will see the post office. Turn to your right and continuously walking for a couple of minutes. Oh, I see. Then? Then you will come to the big circular park and you should enter the park. Is the district court too far away from here? If so, I might go by bus or... No, it is not that far away. But after getting out of the park, you will see a two-storage building. Oh. Is that district court? Right, that is the district court. Okay, thank you very much. I liked your city. The people of your city are very good. Thank you, sir. Okay, welcome. Bye. Bye. फ्रेंड्स, ये कन्वर्सेशनल वीडियो आपको देखकर ज़रूर फायदा होता होगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तीन रास्ते हैं, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। इन तीन अभ्यासों के द्वारा आप कोई भी भाषा बोलना सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुनना भी ज़रूरी होता है अगर आप इंग्लिश सचमुच सीखना चाहते हैं। तो रोज़ रीडिंग 5 मिनट 10 मिनट रोज़ किसी भी इंग्लिश की बुक लेकर रीडिंग करना ज़रूर जारी रखें, और उसके बाद लिसनिंग, कहीं से भी इंग्लिश सुनने की कोशिश करें। इसलिए मैं ये कन्वर्सेशनल वीडियो डालता हूँ ताकि आपको सीखने के साथ साथ सुनने को भी मिले कि इंग्लिश में बातें कैसे की जाती है, किस तरह से बातें होती है, बातें कैसे करते हैं, और सुनने को भी मिले। कुछ सुनने से भी काफ़ी लोग ज़्यादा सीखते हैं, जैसे फिल्में देखकर लोग हिंदी, काफ़ी लोगों ने इंडिया में हिंदी फिल्में देखकर हिंदी सीखा है। इसी तरह से फिल्में देखकर या कोई भी छोटी मोटी मूवी है इंग्लिश में है तो हम अगर उसको देखते हैं तो सीखने के लिए अब ज़्यादा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मेरा यही उद्देश्य है इंग्लिश वीडियो डालने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान का नियम जो है वर्ब के बाद जा चुकी है जा चुके हैं, जा चुका हूं, या वर्ब के बाद गया है, गई है, गए हैं,
गया हूं। ठीक है, इसमें ज्यादातर बोलचाल के वक्त ज्यादातर नीचे जो मैंने लिखा है गया है, गए हैं, गई है, गया हूं, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इस तरह के सेंटेंसेस ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे मुझे धोखा दिया जा चुका है। इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम हिंदी में अक्सर नहीं करते, ज्यादातर हम सेंटेंस क्या करते हैं यूज कि मुझे धोखा दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप दोनों तरीके से, अगर ऐसा आएगा तो ये सही, अगर ऐसा आएगा तो ये सही। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों के दोनों लिख दिया है ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाओ दोनों में से कोई एक सेंटेंस ना अगर दूं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे यार ये कैसे होगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दिया है और आप देख लेना, लिख लेना, समझ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसके मेकिंग फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। ठीक है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनते हैं, मैंने आपको पहले भी वॉइस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हैज हैव के बाद बीन लगता है पैसिव सेंटेंस में, एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं ऑलरेडी पैसिव सेंटेंस के पहचानने का नियम बता रहा हूं और बनाने का नियम बता रहा हूं, ना कि एक्टिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, कि पैसिव सेंटेंस को हम बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसको हम पहचानते कैसे हैं, यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, मेरी बुक चोरी हो गई है या चुराई जा चुकी है। ठीक है, मेरी बुक चोरी हो गई है या चुरा ली गई है या चोरी हो गई है या चुराई गई है या चुराई जा चुकी है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। लेकिन वर्ब के बाद, इसमें वर्ब क्या है, चोरी करना, तो चोरी या चुराई, दिस इज द वर्ब, उसके बाद आ रहा है गई है या जा चुकी है, तो समझ लेना। अगर ऐसा आए तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस है और फिर उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप जरा ध्यान से देखना, बस इसमें समझना कुछ नहीं है, इसमें वर्ब के बाद ये पहचान का नियम है कि वर्ब के बाद अगर ऐसा रहे तो फिर वो पैसिव सेंटेंस होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम बनाते हैं, मेरी बुक चोरी हो गई है, माई बुक हैज बीन, माई बुक हैज बीन स्टॉलन। ठीक है, अभी हम बोलचाल के भाषा में ऐसा भी बोलते हैं, माई बुक इज स्टॉलन। ठीक है, मेरी बुक चोरी हो गई है, मेरी बुक चुरा ली गई है, ये जो बोलचाल की भाषा में चल रहा है, ये चलन है, ये बिगड़ा हुआ रूप है इंग्लिश का, भाषा का, तो ये चलता है। लैंग्वेज क्या है, हमें बोलना है, हम ही बिगाड़ते हैं, हम ही बनाते हैं, लैंग्वेज तो हमारी चीज है ना, हम ही बोलते हैं, फिर हम ही उसको धीरे 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 उसको बिगाड़ते जाते हैं, फिर वही चलन में चल पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मेरी पेन टूट गई है, मेरी पेन टूट गई है या तोड़ दी गई है या तोड़ी जा चुकी है, दिस इज द पैसिव वॉइस ना, बट इसको हम कैसे बोलते हैं, माई पेन इज ब्रोकन। ठीक है, माई पेन इज ब्रोकन, अगर हम माई पेन हैज बीन ब्रोकन ऐसा बोलते हैं तो ये ज्यादा करेक्ट होगा ग्रामर की दृष्टि से। लेकिन माय पेन इज ब्रोकन बोलते हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यही चलता है और लिखा भी जाता है बोलचाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं पर अगर लिखा हो कि माय पेन इज ब्रोकन तो गलत है, ऐसा मत सोचना, दिस इज ऑल्सो राइट, जो मतलब चल पड़ा है। कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जैसे घोड़े बेचे जाते हैं, तो हॉर्सेज आर सोल्ड, घोड़े बेच दिए गए हैं तो हॉर्सेज आर सोल्ड, दोनों ही सूरत में हम ऐसे ही बोलते हैं, बस वहां समझना पड़ता है कि ये क्या बोल रहा है। ये इंग्लिश का बिगड़ा हुआ रूप है, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप हम देखते हैं, धीरे 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 मॉडिफाई होता जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आज कुछ और था, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है और कल कुछ और होगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यार सर ने तो पढ़ाया था कि हैज बीन हैव बीन लगाकर बनाते हैं, यहाँ तो इज लिखकर और थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी चलता है और वो भी चलता है, आप हैज बीन का यूज करो ना, दिस इज द राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैंने सेंटेंसेस लिखा है जो क्वेश्चन वर्ड है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी हम एक एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे कहाँ भेजा गया है,
कहाँ है, इसलिए वेयर हैज ही बीन सेंट, उसे कहाँ भेजा गया है, वेयर हैज ही बीन सेंट। तुम्हारे घर को क्यों सजाया गया है, तो तुम्हारे घर को क्यों सजाया गया है, सजाया मिस वर्ब, उसके बाद गया है तो समझ रहे ना पैसिव है, तो हुआ ही हैज योर हाउस बीन डेकोरेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाई हैज योर हाउस बीन डेकोरेटेड, यहां पर हम व्हाई इज योर हाउस डेकोरेटेड ये भी बोलेंगे तो भी चलता है। दिस इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज में जो चल रहा है वही हमें बोलना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप व्हाई हैज योर हाउस बीन डेकोरेटेड बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज अ राइट ग्रामेटिकली राइट, और वो सब क्या है जो बोल चाल में चल रहा है, भाषा में चल रहा है, वो सब है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि व्हाई इज योर हाउस डेकोरेटेड। ठीक है, क्या कुर्सियां बनाई जा चुकी है, तो हैव द चेयर्स बीन मेड, हैव द चेयर्स बीन मेड, क्या कुर्सियां बनाई जा चुकी है। ठीक है, अब इसी में ये आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को पहचानेंगे और उसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, अभी उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस को पहचानने का नियम आपको समझ में आ गया होगा और हम उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं यह भी आपको पता चल गया होगा। फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, जैसे कि अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं, मीन्स हिंदी में बोलते हैं किसी से कि मुझे धोखा दिया गया है, तो आई एम चीटेड या आई हैव बीन चीटेड क्या होगा, आई हैव बीन चीटेड। अगर आई एम चीटेड बोलेंगे तो मुझे धोखा दिया जाता है, आई हैव बीन चीटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे जान से मार दिया गया है, ही हैज बीन किल्ड। अगर हम बोलेंगे उसने जान से मार दिया है तो ही हैज किल्ड, उसने जान से मार दिया है। अगर उसे जान से मार दिया गया है तो ही हैज बीन किल्ड, यहां पर सिर्फ बीन लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा बीन लगाने से इतना सारा फर्क हो जाता है कि ही हैज किल्ड मतलब उसने जान से मार दिया है और ही हैज बीन किल्ड मतलब उसे जान से मार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसने धोखा दिया है, ही हैज डिसीव्ड, ही हैज चीटेड, और उसे धोखा दिया गया है तो ही हैज बीन डिसीव्ड या ही हैज बीन चीटेड। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ बीन लगा देने से इतना अर्थ में इतना बदलाव आ जाता है, मीन्स काफी बदलाव आ जाता है। ठीक है, मैंने एक कुर्सी बना दी है, ठीक है, तो आई हैव मेड अ चेयर, और कुर्सी मेरे द्वारा बनाई गई है, तो द चेयर हैज बीन मेड बाय मी, सिर्फ यहां पर बीन लगाने से काफी फर्क हो जाता है। मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई है, तो आई हैव बीन टाउट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई है तो आई हैव टाउट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, आई हैव टाउट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई है तो आई हैव टाउट इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई है तो आई हैव बीन टाउट इंग्लिश, यहां पर भी सिर्फ बीन लगाने से काफी फर्क हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं और कैसे इंग्लिश में उसका अनुवाद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।